नमस्कार दोस्तों, आज मेरे घर में एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई, यानी कि जो मेरा वॉशिंग मशीन था उसके अंदर पानी भर रहे थे तो पानी सब निकल जा रहा था, यानी सब पानी हम जो वॉशिंग मशीन होता है मेरे घर में जो एलजी का वॉशिंग मशीन है जो सेमी ऑटोमेटिक है, तो उसके अंदर पानी हम कपड़े धोने के लिए पानी भरते तो पानी सब पाइप से निकल जा रहा था, पूरा पानी निकल जा रहा था, यानी पाइप जो पानी इकट्ठा होना चाहिए वो इकट्ठा नहीं हो रहा था। तो ये मैंने प्रॉब्लम अपने आप ही खुद ही उसको सॉल्व किया, क्योंकि मुझे भी वॉशिंग मशीन के बारे में इतना डिटेल में नहीं पता, फिर भी मैंने अपने आप ही उसको सॉल्व कर दिया। तो यही चीज़ें मैं आपके इस वीडियो के साथ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है आपके घर में तो खुद ही आप अपने आप सॉल्व कर सकते। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि जो हमारे घर में जो भी छोटी बड़ी प्रॉब्लम होती रहती है वो अपने आप ही हम खुद ही उसको सॉल्व कर सकें, यानी बाहर से टेक्नीशियन को बुलाना ना पड़े। अगर मेजर प्रॉब्लम होगी तो फिर हमें टेक्नीशियन को बुलाना पड़ेगा, मगर ये छोटी बड़ी चीज़ें होती रहती है तो अपने आप ही हम उसको सॉल्व कर सकें ऐसा हमें थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो यही इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास जो वॉशिंग मशीन है वो एलजी का वॉशिंग मशीन है, और जो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अभी स्विच चालू करके रखी है, और जैसे मैं ये पानी यहाँ पे इसको छोड़ता रहूँ, यहाँ पे ये पानी मेरा पानी यहाँ पे यहाँ इकट्ठा होना चाहिए, मगर जो पानी है वो पाइप से निकल जा रहा है। यहाँ से आप देख सकते हो यानी पूरा पानी यहाँ पे अभी बन नहीं रहा, पूरा पानी निकल जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ और इसका जो प्रॉब्लम है वो हम देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए आप मैंने ये पीछे से ये खोल के रखा है, ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से इसका ये जो कवर लगा रहता है और जो इसके सिर्फ स्क्रू ही निकालने रहते हैं, तो इसके आप स्क्रू निकाल देंगे तो इस तरह से यहाँ पे इसका पीछे आपको ऐसा व्यू मिलेगा। और यहाँ पे जो आपको ये देख सकते हो ये वाला जो पोर्शन है इसको हमें निकालना है पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पीछे का ये पोर्शन है यहाँ पे, तो ये जो इसके साथ ये लगा रहा है इसको हमें निकालना रहता है। तो इसको हम निकाल के देखेंगे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, यानी इसके अंदर कचरा भर जाता है या फिर जो आपके पिन होगी या पैसे होंगे वो भी इसके अंदर फंस जाते हैं, इसकी वजह से जो पानी हो वो निकल जाता है, वो हमारे यहाँ पे इकट्ठा नहीं होता। तो इसको खोलने के लिए आप ऐसा स्क्रू ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं और धीरे से इसको इस तरह से मूविंग करा के खोल सकते हैं। तो मैंने पहले खोला था इसलिए ये जल्दी से खुल गया, मगर आप यूज़ करोगे तो आपको थोड़ा जोर लगा के करना पड़ेगा। तो इसको हम इस तरह से धीरे से निकाल देंगे पहले, तो इस तरह से ये निकल आएगा। देखिए यहाँ पे स्प्रिंग भी लगी है और धीरे से इसको इस तरह से हमें निकाल देना है। ये देखिए इतना ये सब कचरा लगा है यहाँ पे, तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये पूरा ऐसा कचरा लगा रहता है और ये इसको फिर हम साफ़ कर देंगे और ये स्प्रिंग भी लगी रहती है। ये इस तरह से ये होता है, ये निकालिए। और जो हमारा मेन पोर्शन हमें देखना है यहाँ पे, इसके अंदर कचरा लगा रहेगा बहुत सारा, या फिर रुपये अगर पैसे या पिन गिर जाती है उसकी वजह से भी जो पानी होता है वो हमारा निकल जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये इस तरह से आप अगर आपके पास मैग्नेट होगा तो मैग्नेट से भी निकाल सकते हैं, या फिर अपने हाथ से ही आपको दिख जाता है तो आप हाथ से भी निकाल सकते हो। ये देखिए, तो ये अंदर से जो एक रुपये का जो सिक्का वो निकला, अभी मैं दूसरे भी चेक कर लेता हूँ कि अंदर पैसे पड़े या नहीं पड़े। तो इस तरह से हाथ डाल के आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर काफ़ी सारी मिट्टी भी लगी है, तो अपने हाथ से जितना हो सके वो आप साफ़ करने की ट्राई कीजिए, जिसकी वजह से पैसा इसकी वजह से भी ये हमारा पानी निकल जाता है। तो जो जितना हो सके आप सब पूरा साफ कर दीजिए यहाँ पे इस तरह से, ठीक तरह से सब निकाल के हाथ उंगली डाल के या इस तरह से नीचे भी चेक कर लीजिए, कोई पैसा तो यहाँ पर आपका फंस तो नहीं गया। ठीक है, तो बस इसमें यही करना है, ये जितने भी आपको जो कचरा या पैसा निकल पैसे के सिक्के फंसे होंगे तो वो निकाल दीजिए। और फिर से जैसे मैंने बोला यहाँ पर इसको जो स्प्रिंग होती है उसको थोड़ा खींच दीजिए इस तरह से, स्प्रिंग को थोड़ा खींचना रहेगा हमारा, और इस तरह से फिर हमको यहाँ पे इसको लगा देंगे जैसे जैसे किया था उसी तरह इसको हमें फिर से लगा देना है। तो इस तरह से हम फिर इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिट कर देंगे। इसमें जो कॉमन प्रॉब्लम रही यही रहता है दोस्तों कि जो पैसे अंदर अटक जाते हैं, पिन लग जाती है या कचरा ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से पानी हमारा निकल जाता है। तो अभी हम चालू करके भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर प्लग लगा दिया मैंने, अभी मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो हमें पता चलेगा जो हमने किया वो सही किया। तो ये पानी हमारा आना चालू हो चुका है, ये तो देख सकते हैं यहाँ पे लाइट कर दो बाथरूम में। तो यहाँ पे देखिए ये पानी मेरा इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। और जो मेरा पाइप निकला था जो यहाँ पे लगा था वो पाइप में से ही पानी नहीं निकल रहा, यानी पानी हमारा यहाँ पे वॉशिंग मशीन मतलब यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। जैसे जो मेरा प्रॉब्लम था कि पानी सब निकल जा रहा था वो अभी सॉल्व हो चुका है, यानी बहुत ही सिंपल है। इसी तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अलग से आपको इलेक्ट्रिशियन को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर जो ये आपका ये पोर्शन है इसको हमें धीरे से खोलना है, ठीक है, और इसके अंदर जो भी कचरा या पैसे फंसे होंगे उसको निकाल देना है, बस और कुछ नहीं करना है, तो आपका प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।